मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो एकदम चुपचाप बैठ गई हैं कि जेल जाने के डर से या आनंद कुमार के डर से। वैसे तो वो हिंदू लीडर है पूरे देश और दुनिया में, लेकिन यूपी में उनकी पहचान संभव ठाकुर लीडर की हो गई है। आज कांग्रेस के साथ कोई नहीं, एक जमाने में तो उनके साथ दलित और ब्राह्मण और मुस्लिम होते थे, आज मुस्लिम भी नहीं है। चूंकि मुस्लिम ये कह रहा है कि भाई हम तो उधर जाएंगे आंख मूंद के जो बीजेपी को हरा रहा है। अब उसमें एक बात तो जो कही जा रही है जो अंदर खाने की, भाई मोदी सरकार ने और अमित शाह ने जो उनके भाई हैं आनंद कुमार, उनका कुछ काफी जो अनअकाउंटेड पैसा वैसा वहां पकड़ लिया है और कुछ उनकी कहीं कोर दबा दी है। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने उत्तर प्रदेश के चुनावी विश्लेषण को लेकर। और हमने वादा किया था आपसे कि हम आपसे बात करेंगे कांग्रेस के बारे में और बसपा के बारे में, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक बड़े प्लेयर के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बसपा ने शुरुआत में ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से जो अपनी गतिविधियां शुरू की थी, वो गतिविधियां कुछ दिन तक चली, कुछ हलचल मची और ऐसा लगा कि मायावती अपने हिसाब से एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनावों में दखल देंगी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से जमीन पर हलचल तेज कर दी है, गतिविधियां बढ़ा दी हैं, अखिलेश यादव 8वीं बार अपनी विजय यात्रा पर निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो सरकारी मंचों से प्रचार किया, प्रधानमंत्री आते थे, उद्घाटन होता था, लोकार्पण होता था, प्रधानमंत्री भाषण करते थे, गृह मंत्री भाषण करते थे, योगी आदित्यनाथ भी तमाम जिलों का दौरा करते हुए ढेर सारी योजनाओं का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, भाषण किया और उस मंच से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। वो हर अपने भाषण में 17 के पहले के उत्तर प्रदेश की का जिक्र करते हैं। तो इन सारे सवालों को हम इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई कहाँ खड़ी है। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कांग्रेस और बसपा के भविष्य को लेकर, राजनीतिक भविष्य को लेकर। तो हम जानेंगे रामदत्त त्रिपाठी जी से कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो कि बहुत तेजी से अपने पांव फैलाने की कोशिश कर रही है और एक नए चुनावी अभियान के साथ सबके सामने आई है, लड़की हूं लड़ सकती हूं ये जो नारा दिया है और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने रखी है, महिलाओं के सामने 40% सीट देने का वादा किया है, लेकिन क्या इस वादे के साथ प्रदेश में कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी, क्या उसके लिए कैसी राजनीति उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रही है, प्रियंका गांधी का भविष्य क्या होगा, इस पर हम जानेंगे रामदत्त त्रिपाठी जी। सबसे पहले रामदत्त जी ये बताइए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और जब हम बात करते हैं कि 30 साल पहले मतलब सरकार रिपीट हुआ करती थी और अब उसके बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो रही है, कांग्रेस ही वो पार्टी रही है जो रिपीट करती रही है कि वो उसकी सरकार है, चुनाव हुए फिर उसकी सरकार आ गई। 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। अब प्रियंका गांधी महिलाओं को एक तरह से आवाज देकर, घर में एक तरह से घुसकर आधी आबादी को जगाकर जो उम्मीद जगा रही हैं, राजनीतिक इसको किस रूप में देखते हैं कि उसको इसका राजनीतिक जो पराक्रम है प्रियंका गांधी का कितना असर? देखिए, मैं अगर कोई रिसर्च स्कॉलर भवेश जी लाइब्रेरी में जाके थोड़ा ये देखे, स्टडी करे कि पिछले 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश में कौन मुख्य विपक्षी दल था, तो उसको ये भ्रम हो जाएगा कि कांग्रेस थी, क्योंकि सड़क पर जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं सरकार के खिलाफ, चाहे सीए का ले लीजिए आप, सोनभद्र में आदिवासियों पर अत्याचार हुआ वहां का ले लीजिए, गोलीकांड हुआ, हाथरस का आप ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, कहीं भी हर जगह प्रियंका गांधी ही लड़ती दिखाई दी। आप लखीमपुर खीरी में भी आप अभी जो ये कुचले गए लोग, शुरुआत हुई थी तो पहले प्रियंका गांधी पहुंची और सीतापुर में वो कई मतलब काफी देर तक नजरबंद रही ये रहा। लेकिन समहाउ आप देखिए कि उसका नीचे से ग्रास रूट से जो एक जन समर्थन होना चाहिए था, सोशल बेस मिलना चाहिए था, वो कांग्रेस को नहीं मिल पाया, उसकी तलाश मिसिंग है, वो मिसिंग है। और कांग्रेस के बारे में लोग कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन यहाँ बहुत, हाँ वही वही वही, तो असली चीज वो है कि भाई कांग्रेस के पास इस समय सोशल बेस नहीं है। और कांग्रेस के बारे में एक बात बहुत पुरानी कही जाती है, वो हेमवती नंदन बहुगुणा कहा करते थे कि कांग्रेस में जो आला कमान है, उस समय इंदिरा जी थी, वो पौधा लगाते हैं और फिर कुछ दिन बाद देखते रहते हैं बीच बीच में कि जड़ तो नहीं पकड़ लिया, जड़ पकड़ लिया तो हटा लिया। तो अब हुआ क्या कि प्रियंका गांधी ने एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया कि कुछ समय पहले जो उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस में परिवर्तन किया, लल्लू सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, अजय कुमार लल्लू को,
तो अजय कुमार लल्लू को अध्यक्ष बनाया और उस समय जितने सीनियर लोग थे पार्टी के उनको बिना कारण बताए उनको निकाल दिया। उन्हीं में से एक सीनियर लीडर सत्यदेव त्रिपाठी जो बहुत दिन तक उपाध्यक्ष थे बीजेपी चले गए। तो क्या हो गया है कि जो पुराना बचा खुचा संगठन भी था वो अलूफ है और प्रियंका गांधी एक मोस्टली एक एनजीओ की तरह और मीडिया टीम की से के सहारे कोशिश कर रही हैं, अच्छा एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही, भीड़ भी जुट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो पोलिंग बूथ लेवल पे या जो सामाजिक, देखिए उत्तर प्रदेश की रियलिटी है कि जिनको हम जाति कहते हैं वो सामाजिक आधार है। तो किसी के पास यादव वोट है, किसी के पास कुर्मी है, कहीं लोध है, तो कहीं मतलब चमार या जाटो है, तो कहीं राजभर है। आज कांग्रेस के साथ कोई नहीं, एक जमाने में तो उनके साथ दलित और ब्राह्मण और मुस्लिम होते थे, आज मुस्लिम भी नहीं है। चूंकि मुस्लिम ये कह रहा है कि भाई हम तो उधर जाएंगे आंख मूंद के जो बीजेपी को हरा रहा हो। तो इन परिस्थितियों में ये कहा जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी ने इतनी मेहनत करी है और उन्होंने कोशिश की है, ऐसा नहीं है बूथ लेवल पे संगठन खड़ा किया है, पंचायत लेवल पे खड़ा किया है, ब्लॉक लेवल पे काफी मेहनत करी है, तो उससे कहते हैं कि वोट तो देखिए निश्चित बढ़ेगा कांग्रेस का, लेकिन प्रियंका वोट बढ़ेगा लेकिन सीटें कितनी बढ़ेंगे इस पे डाउट है। और एक सेकेंड, और उनको चाहिए था कि जैसे इस समय साइकोलॉजिकली आप देख लीजिए, कम्युनिटी वाली मैं बात कर रहा था, तो ब्राह्मण कम्युनिटी इस समय अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं पीड़ित सरकार में। तो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर ये आरोप नहीं है, सच्चाई आप कह रहे हैं, नहीं महसूस कर रहे हैं आप, इसीलिए तो आप देखिए कि अरे भाई हरशंकर तिवारी का खानदान जो है वो इसीलिए समाजवादी पार्टी में आ गया, चला गया भाई। तो जो देखिए ये कहना है कि योगी जी बाय नेचर, वैसे तो वो हिंदू लीडर है पूरे देश और दुनिया में, लेकिन यूपी में उनकी पहचान संभव ठाकुर लीडर की हो गई है। और वो प्रश्न कहते हैं कि उन्होंने राजनाथ सिंह से भी ज्यादा ठाकुरवाद दिखाया उत्तर प्रदेश प्रशासन में और जो सुविधाएं देने में, तो ब्राह्मण और इसी का तो देखिए, इसीलिए तो मायावती ने इसी सेंटिमेंट को बुनाने के लिए सतीश मिश्रा को भेजा। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि सुविधाएं देने का इन्होंने जिक्र किया कि सुविधाएं देने में, तो ये भी आरोप लगता रहा है योगी सरकार पर कि इन्होंने बाहुबलियों की ठीक ठाक मरम्मत की है, अच्छा बुलडोजर चला है प्रदेश में, लेकिन जो इनके इनकी जाति के थे ब्रजेश सिंह जैसे लोगों को छुआ नहीं गया है। तो ये भी आरोप लगता है विपक्षी की ओर से कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उनको माफिया सिर्फ दूसरी तरफ दिखाई दे, ये करेंगे ना केवल प्रोटेक्ट कर रहे हैं बल्कि उनको मौका दे रहे हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी है मुख्तार अंसारी अतीक, ये जो प्रतिद्वंदी थे उनके, उनको मार मार के अंदर कर रहे हैं, तो आप अपने लोगों को मौका। और गाजीपुर के धनंजय सिंह को भी इस तरह से उनको छूट मिली हुई है, उनके ऊपर मामला चल रहा है। तो ये आरोप है कि भाई आप मौका दे रहे हैं अपनी बिरादरी के जो माफिया हैं उनको, और सब जगह ठेका कोटा जहां भी जो भी धंधा पानी है। कांग्रेस की बात हो रही थी, मैं ये हाँ तो मैं कह रहा हूँ, तो उसी सेंटिमेंट को भुनाने के लिए देखिये मायावती ने सतीश मिश्रा को आगे किया। तो ऐसे में कांग्रेस को लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस ने क्यों नहीं प्रमोद तिवारी जैसे कद्दावर नेता को, जिन्होंने एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया कि भाई एक क्षेत्र से 9-10 साल एक सिंबल पर एक पार्टी से लगातार जो जीत रहा है, और जिसका इधर पूर्वांचल में इधर इलाहाबाद प्रतापगढ़ असर भी है, और बल्कि ये भी कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली का चुनाव जीतने के लिए भी प्रमोद तिवारी की मदद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो यूपी की जो ग्रास रूट सामाजिक वास्तविकता है उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर भी लेकिन लोगों को ये कहना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा लेकिन सीटें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, अभी फिलहाल अभी की स्थिति नहीं लग रही, लेकिन हो सकता है। एक आखिरी सवाल कांग्रेस के बारे में लूंगा, उसके बाद में बसपा की ओर बढ़ूंगा, बसपा के बारे में हम लोग जानेंगे कि बसपा की क्या स्थिति है इस वक्त। कांग्रेस के बारे में एक सवाल ये है कि प्रियंका गांधी को अकेले छोड़ दिया गया है उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी अभी तक एक बार भी उनके साथ इस तरह से देखा जाए तो, अभी अमेठी वाली यात्रा भी जरूर उसमें दिखाई दी है, लेकिन लंबे समय तक राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से दूरी बनाए हुए हैं, सोनिया गांधी का स्वास्थ्य चाहे जैसा भी हो लेकिन वो भी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बहुत बड़ी उनकी गतिविधि या बयान इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा, इसको कैसे देखा जाए और क्या इससे कांग्रेस जनों के भीतर में जो पुराने कांग्रेसी हैं उनके अंदर में एक थोड़ा सा कुछ है? ये भी उसी गलती का पार्ट है, देखिए कि भाई ठीक है प्रियंका गांधी हो सकती है लेकिन इनको लोकल लीडर को उभारना चाहिए था,
क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी देखिए कि अगर प्रियंका गांधी को आप इस चुनाव में स्टेक पे इतना लगा रहे हैं और अगर असफल होती हैं, जिसकी ज्यादा संभावना है कि भाई उतनी सीटें तो नहीं आएगी कि सरकार बने, तो आप अननेसेसरी आप अपने ही एक नेतृत्व पर सवाल उठ जाएगा। तो लोकल लीडर को न उभारना, ये कांग्रेस की कमजोरी रही है, चाहे यूपी चाहे बिहार, देखिए ये जो यही कमजोरी है कि कांग्रेस पनप नहीं पा रही लोकल लीडर स्टेक न होने पर। दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं है, आप जैसे जंप करते हैं कि आज सोनभद्र चले गए, हाथरस चले गए, अलीगढ़ चले गए, खीरी चले गए, तो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी भाई, राजनीति में भी लोग मुक्त क्षेत्र बनाते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव का आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव क्या था, सफाई के नेता इटावा, फिर उन्होंने मैनपुरी को भी किया, फिरोजाबाद भी किया, कन्नौज भी किया, अगल बगल एक 5-6 जिलों में अपना एक जब मजबूत बेस बना लिया तो फिर वो एक लॉन्च पैंट चाहिए ना। तो उस हिसाब से कांग्रेस अभी कुछ नहीं प्लान कर पाई, और वो होगा तभी जब उत्तर प्रदेश के आप स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाएंगे, पुराने लोगों के साथ बैठेंगे, और यहाँ की जो सामाजिक रियलिटी, क्योंकि देखिए क्या है कि हमारा शहरों में अंदाज नहीं होता, लेकिन एक तरह मैं तो ये कहता हूँ कि एक वर्ग संघर्ष शांतिपूर्ण और कानूनी दायरे के अंदर रह के एक वर्ग संघर्ष चल रहा है सत्ता में हिस्सेदारी का। तो कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदारी का भी तो कोई वादा नहीं कर रही है ना किसी कम्युनिटी को, मतलब आप दिल्ली में सरकार बनेंगे तो प्रधानमंत्री आप होंगे, यूपी में सरकार अगर बन सकती है तो मुख्यमंत्री आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको सामाजिक और राजनीतिक जो रियलिटी है उसका एहसास नहीं है, और कंसिस्टेंसी नहीं है। आप किसी मुद्दे को लेके एक लॉजिकल एंड तक ले जाइए, मान लीजिए बेरोजगारी पे आपको करना है, बहुत सारे सवाल तो कांग्रेस कई उठा रही है, लेकिन उन सवालों को इस रूप में नहीं देखा जा रहा है कि उससे उत्तर प्रदेश में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो एक बननी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे किसानों ने जो आधार बनना चाहिए, किसानों ने मान लीजिए खेती का सवाल उठाया तो 14 महीने लड़े, एक गाजीपुर बॉर्डर या कहीं बॉर्डर जम गए ना, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है कि कभी भट्टा परसोल चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं है ना। कि आपको चाहिए ये कि भाई यूपी के 4-5 मुद्दों को आइडेंटिफाई करिए और उनपे फिर लगातार आप संघर्ष करिए और एक अंजाम तक ले जाइए ना, तो वो नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से कांग्रेस जो है रामदास जी का मानना है कि कांग्रेस भी उस तरह से रेस में नहीं है, उसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन सीटों में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देख पा रहे हैं अभी तक की जो स्थिति है। अब हम बसपा के बारे में बात करेंगे। मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण बनाने में माहिर मानी जाती रही है, उन्होंने कई तरह के सामाजिक समीकरण क्रिएट किए उत्तर प्रदेश में और नतीजे दिए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और इस तरह से देखा जाए तो एक उत्तर प्रदेश में उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक, पिछले कई चुनावों में अगर देखा जाए तो उनकी सीटें घटती बढ़ती रहीं, लेकिन उनके साथ 20% तक का वोट प्रतिशत जो है वो उनके साथ जुड़ा रहा, इतने 20% के वोटर उनके साथ जुड़े रहे। अभी भी उनके साथ ये माना जाता है कि जो जाटों, खास तौर पे दलितों में जाटों कम्युनिटी है, अभी भी मायावती के साथ है, लेकिन मायावती ब्राह्मणों को साथ लेकर भी इस बार ज्यादा उत्साहित है। पिछली बार भी उन्होंने जब 2007 में सरकार बनाई थी तब भी ब्राह्मण उनके साथ थे, और इस बार उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए उत्तर प्रदेश में एक चुनावी गतिविधियों का आगाज किया था, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें उस तरह से लड़ाई में, रेस में देखा नहीं जा रहा, और माना यह भी जा रहा है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई, ये भी आरोप लगता रहा है। तो रामदास जी ये बताइए कि क्या ये जो आपने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा, वो खास करके 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब से उन्होंने अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ा, तो आप देखिए या तो वो मौन रही और या फिर उन्होंने राज्यसभा या विधान परिषद चुनाव या कुछ न कुछ इशारों में ऐसा किया कि वो बीजेपी के साथ खड़ी दिखी, या उनका हमला विपक्ष पे ज्यादा होता था और सरकार पे कम होता था, मोदी सरकार पे। अब उसमें एक बात तो जो कही जा रही है जो अंदर खाने की, भाई मोदी सरकार ने और अमित शाह ने जो उनके भाई हैं आनंद कुमार, उनका कुछ काफी जो अनअकाउंटेड पैसा वैसा वहां पकड़ लिया है और कुछ उनकी कहीं कोर दबा दी है, तो उसकी वजह से बीजेपी ये चाहती है कि मायावती को दबा दिया जाए और धीरे धीरे दलित वोट ट्रांसफर कराया जाए अपनी तरफ।
और मायावती में वो जैसे एक होनी चाहिए थी, जैसे काशीराम में वो बात नहीं है कि वो एकदम लड़ जाते थे, या मुलायम सिंह यादव, और कहीं ना कहीं अखिलेश भी देखे पलट के आ रहे हैं, उनके तमाम लोगों पे छापे वापे पड़े, लेकिन उन्होंने उसका मुकाबला किया। लेकिन मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो एकदम चुपचाप बैठ गई है कि जेल जाने के डर से या आनंद कुमार के डर से, और वो ज्यादा बोली नहीं। तो अब उनका इतना नीचे चला गया है मोराल पार्टी के लोगों का। अच्छा, इस बीच पार्टी के तमाम, देखिए उन्होंने भी एक गलती की कि सारी जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, एक भी बड़ा कोई दलित लीडर उनके साथ नहीं है इस समय। हाँ, सबको निकाल बाहर किया। प्रदेश अध्यक्ष जो अब समाजवादी पार्टी में चले, हाँ, एनजी सरोज चले गए, देखिये ये अच्छा लाजवा राजभर चले गए, देखिये लालजी वर्मा चले गए, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में चले, पहले ही चले गए। तो जो काशीराम जी ने जोड़ा था बहुजन समाज करके, और खास करके जो नान यादव और ओबीसी और दलित का जो पूरा एक कॉम्बिनेशन जोड़ा था, तो वो बिखर रहा है। आप देखिए दलितों में पासी जो है, अच्छा बीजेपी ने बड़े ढंग से लड़ाया है ना, एक्चुअली जैसे यादव और अन्य ओबीसी को लड़ाया, तो इसलिए दलितों में भी देखिए, ये हम कह देते हैं कि 22% दलित, लेकिन दलित आपस में 22% नहीं है, बल्कि एक दूसरे का छुआ भी नहीं खाते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह भी नहीं होते, पासी चमार धोबी या मान लीजिए वाल्मीकि। तो बीजेपी ने उसका बड़ा फायदा उठाया है और उनमें भी अपनी पैट बनाई, तो मायावती उसको एकजुट नहीं रख पाई, जो कांशीराम ने खड़ा किया था सारा एकता, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सरकार में, वो कर नहीं पाई। और अब नतीजा यह है कि दूसरा पिछली बार क्या हुआ कि जब सरकार बनी तो ब्राह्मणों के नाम पे भी लोगों का यह कहना कि केवल सतीश मिश्रा और उनके रिश्तेदारों को, इर्द गिर्द के लोगों को फायदा मिला, बाकी कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का तो फायदा मिला नहीं। और बल्कि ये भी है कि लोग कहते हैं कि वो आते थे जब लखनऊ तो सतीश मिश्रा मिलते नहीं थे, मायावती मिलती नहीं थी, फायदा अपने आपने बिरादरी दलित को दिया। तो इसलिए जब सतीश मिश्रा को इस बार भेजा ब्राह्मण सम्मेलन के लिए, तो वो बात नहीं आई, क्योंकि ब्राह्मण देख चुके हैं कि आप हमें सत्ता में पावर में, देखिए ब्राह्मण हो या कोई भी, सत्ता में हिस्सेदारी असली चीज है। आपके तो सत्ता में हिस्सेदारी सतीश चंद्र मिश्र की होती है, उनके परिवार की होती है, ब्राह्मणों को कुछ मिल नहीं पाता, ये भी शिकायत रही है, जिसकी वजह से ब्राह्मण समुदाय इस बार भी सशंकित है। और बाकी लीडर्स को भी नहीं जोड़ पाए। मुस्लिम का बड़ा साफ फंडा है कि भैया जो बीजेपी को हराएगा अब उसके साथ जाएंगे, और इस समय लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी हराएगी। तो इसलिए मायावती का भी कोई ग्राफ नहीं खड़ा हो रहा, और फिर से वो कंट्रोवर्सी अलग चालू हो गई टिकट बेचने की। एक दो जगह शिकायतें आई कि भाई किसी को 1 करोड़ में टिकट दिया और फिर बदल के 1.5 करोड़ में भेज दिया। तो और संगठन भी उनका लुंज पुंज हो गया, जब लीडर चले जाएंगे कोऑर्डिनेटर चले जाएंगे, तो मायावती का इस समय मामला ये लग रहा है कि काफी कमजोर लग रहा है। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, हालांकि वो अतिशयोक्ति है, मुझे नहीं लगता कि मायावती कहीं चौथे नंबर पे ना चली जाए, कांग्रेस तीसरे पे ना आ जाए। बिल्कुल, एक सर्वे आया था चुनाव से पहले, जो सर्वे करती है तमाम चैनल करते हैं, उस चैनल के एक सर्वे में आया था कि बीएसपी चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगी और कांग्रेस जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगी। मे भी प्रदेश की जनता का मूड अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, पार्टियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो एक माहौल भी बनता जा रहा है और तमाम तरह के मुद्दे, और देखिए हमको लगता है कि मायावती को भी फील्ड में निकलने का इंतजार करना चाहिए। वो जब रैलियां करेंगी या टिकट बांटेंगी तो हम लोग देखेंगे, फाइनल असेसमेंट तो तभी होगा। बिल्कुल, अभी तो हम तमाम दलों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जिन मुद्दों पर ये चुनाव प्रभावित हो रहा है। वो कौन से मुद्दे हैं, जनता कौन से मुद्दे लेकर आ रही है, नौजवान के सामने नौकरियों का मुद्दा है, जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने लगातार रद्द हो रहे एग्जाम का मुद्दा है, और ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर प्रदेश की जनता मत रही है। किसानों के अलग मुद्दे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का सवाल बड़ा हो गया है, किसानों की एकता इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावों में बदलाव लाने की दिशा में एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है उसको। तो ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं और आपसे जाते जाते ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आखिर तक ये वीडियो देखा। नमस्कार।